दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में यहाँ फाइनल मुकाबले की काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि दो टीमें जो इस बार क्वालिफाई की है फाइनल मुकाबले के लिए, उसमें पहली टीम पहले ग्रुप से जो आई है वहाँ पे पाकिस्तान है, वहीं दूसरे ग्रुप से यहाँ हमें इंग्लैंड देखने को मिली है। पाकिस्तान जहाँ पे न्यूजीलैंड को हरा के इस फाइनल में एंट्री ली है, वहीं पे इंग्लैंड इंडिया को हरा करके यहाँ फाइनल में पहुंची है। दोनों ही टीमें यहाँ काफ़ी बेस्ट है, अपने अपने ग्रुप से दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल के मुकाबले में पहुंच गई है। वहीं पे बात की जाए तो यहाँ फाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी पसीने बहा रही है और दोनों टीमों के 11 धुरंधर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपने पसीने बहा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 13 नवंबर को इस मुकाबले में MCG के ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए यहाँ प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बदलाव है बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर है जिसका रहना इस टीम में एकदम फिक्स है, उनका नाम है मोहम्मद हैरिस। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हैरिस काफ़ी गजब के बल्लेबाज हैं, सूर्य कुमार सिंह बेहतरीन बल्लेबाज इन्हें माना जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा ये प्रदर्शन करते हैं। बड़े मैचेस में खेलना मोहम्मद हैरिस को बखूबी आता है और कैसे मैच को पलटा जाए और कैसे पाकिस्तान के खेमे में मैच को लाया जाए ये मोहम्मद हैरिस काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इसलिए मोहम्मद हैरिस का टीम में रहना तो तय है। वहीं पर बात की कर दूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टीम की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको टॉप 2 के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, क्योंकि बेहतरीन फॉर्म में वो पिछले मैचेस से आए हैं। उसके बाद आपको नंबर 3 पे इफ्तिकार अहमद, उनके बाद आपको शान मसूद यहाँ देखने को मिलेंगे। शान मसूद के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मोहम्मद हैरिस, जो कि मिडिल ऑर्डर का कमान संभालेंगे। मोहम्मद हैरिस के बाद आपको सदाब खान देखने को मिल सकते हैं। सदाब खान के बाद बात की जाए तो यहाँ पे सीम के जो बॉलर्स होंगे उसमें मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, हैरिस रऊफ, मोहम्मद नसीम शाह आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट जो हमारे गेंदबाज घातक गेंदबाज है उन्हें शाहीन शाह अफरीदी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, यहीं प्लेइंग 11 लेके यहाँ पाकिस्तान उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ जीत के इरादे से। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सी टीम इस मैच को जीतती है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।